तो लगातार हम लोग बने रहेंगे और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं कि कांसा जो है, कांसा किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। क्रोमियम इस्पात जो है किसका मिश्रण, तो क्रोमियम का मिश्रण होता है दोस्तों। डेल्टा धातु जो है तांबा जस्ता और लोहा का मिश्रण होता है। कॉन्स्टेंटेंट यह जो है तांबा और निकेल का मिश्रण होता है। मोनल जो है मोनल तांबा निकेल और लोहा का मिश्रण होता है। उसके बाद कृत्रिम गोल्ड, इसको हम लोग रोल गोल्ड कहते हैं। रोल गोल्ड मार्केट में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा ज्वेलरी जो है रोल गोल्ड के बना होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। तो कृत्रिम जो है गोल्ड है तांबा और एल्युमिनियम का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो है लोहा क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो उसके बाद शोल्डर है, शोल्डर जो हम लोग छोटा छोटा चीज जो है सोल्डिंग के माध्यम से जो है एक दूसरे को सटाने का काम करते हैं, तो वह शीशा और टीन का बना होता है। जो मोबाइल वगैरह बनाता है उसके पास बहुत सारा हमेशा रहता है। टाइप मेटल यानी कि शीशा टीन और एंटीमनी का मिश्रण होता है। व्हाइट मेटल जो है दोस्तों शीशा एंटीमनी टीन और तांबा का मिश्रण होता है। वुड्स धातु जो है कैडमियम टीन शीशा और बिस्मथ का मिश्रण होता है दोस्तों। उसके बाद है जंगरोधी इस्पात दोस्तों लोहा क्रोमियम निकेल और कार्बन का मिश्रण होता है। टंगस्टन इस्पात जो है लोहा टंगस्टन और कार्बन का मिश्रण होता है। तो आज जो है आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक दूसरे को जरूर शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से आपको कुछ जाता नहीं है, बस यह आपका ज्ञानवर्धक जरूर साबित होगा। अगर आप देख रहे हैं तो आपको जरूर ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो इसी के साथ जय हिंद।